Hey guys, welcome back to the channel and you're watching 7.7. करो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो गाइस, आज को स्पेशल है इस वीडियो में। गाइस, आज से हम वीकली अवार्ड और कंटेंट ऑफ द वीक ऐसी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीकली अवार्ड में क्या होने वाला है कि जो वीडियोस हम हर वीक्स में जितने भी अपलोड करते हैं उनमें से एक ऐसी वीडियो होगी जिसको ये वीकली अवार्ड या कंटेंट ऑफ द वीक का एक मेडल दिया जाएगा। सो आज की वीडियो को सेम कंटेंट ऑफ द वीक का मेडल मिला है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर गाइस आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और बाजू वाला बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस, और लाइक एम आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में वीकली ऑफ द अवार्ड की बात करें तो आपको स्ट्रैटेजी एक दिख रही होगी जो कि टाउन हॉल 11 के मैक्स बेस पे है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा पूरी स्ट्रैटेजी को तो यहाँ पर आपको ना सीसी का कोई ट्रॉप, ना सीसी, ना सीज मशीन, ना कोई सीसी का स्पेल दिख रहा। हिट पे ना मुक्का मारूं, ना नापूं मैं गुद्दी, बातों पे ही बुन फाड़ दूं, नाम है मेरा। गाइज, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर हुई है क्वीन चार्ज लावालून। हमने सोचा भी नहीं था कि टाउन हॉल 11 के मैक्स बेस में ये इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल और अमेजिंग स्ट्रैटेजी यूज होगी। तो गाइज, जो हुआ है यहाँ पर वो है टाउन हॉल 11 के फुल्ली मैक्स बेस में। गाइज, यहाँ पर कुछ रूल्स थे कि ओपोनेंट सीसी यूज नहीं करेगा, ना ही जो एनिमी अटैक मतलब कर रहा है उस पर अपनी सीसी भी नहीं रखेगा। डिफेंस और ऑफेंस सीसी दोनों अलाउड नहीं थे। और यहाँ पर शानदार तरीके से गाइज यहाँ पर क्वीन चार्ज लावालून से ट्रिपल हुआ। यहाँ पर जो आर्मी का कॉम्बिनेशन है वो 22 लून्स है, 3 विजर्ड्स क्लीनअप के लिए, 4 क्वीन वॉक के लिए हीलर्स और 11 मिनियंस, 2 लावाउंड, किंग क्वीन वार्डन तो है मैक्स लेवल के, 2 रेज, 1 जंप, 2 फ्रीज, 1 इनविजिबिलिटी स्पेल और 2 हेस्ट। इस स्ट्रेटेजी के साथ गाइज ये हुआ ट्रिपल। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 2 मल्टी इन्फर्नो है और क्वीन यहाँ पर ईगल के साथ है। ओपोनेंट के पास सीसी नहीं है, एक्सबो 2 ग्राउंड में है और 2 एयर में है, और टाउन हॉल जो है वो ऊपर वाली साइड है। तो यहाँ पर किस साइड से क्वीन चार्ज इस भाई ने करी, किस साइड से लावालून स्टार्ट किया और कहाँ से ये कहाँ तक ट्रिपल हुआ, तो ये गाइज हम देखेंगे। उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज, अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो टॉप ऑफ द बेस से यहाँ पर क्वीन चार्ज स्टार्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ टाउन हॉल तो निकल जाएगा, 50% तो आजकल कोई भी नूब ले आता है, लेकिन बात करें ट्रिपल की तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर टाउन हॉल से स्टार्ट किया है ताकि जो क्वीन है वो सीधा अंदर की तरफ जाए। और यहाँ पर गाइस आपको दिख रहा है कुछ विजर्ड्स यहाँ पर फनलिंग के लिए अच्छे से यूज़ किए हैं और 4 हिलर पीसेस ड्रॉप कर दिए, और मे बी ये कोकोलून भी कर सकते हैं अगर इनकी हीलर मर जाती है, क्योंकि इनके पास तो बहुत ही कम हीलर्स थे यहाँ पे। और यहाँ पर जो क्वीन की पाथिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, उस तरफ की तरफ जा रही है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे जो है वो कचरे पुचरे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो किंग है वो डाउन की तरफ जा रहा है। तो गाइज, ये है कंटेंट ऑफ द वीक की वीडियो, तो इसको लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पर देखिए गाइज, क्वीन चार्ज की कितनी सी हेल्थ थी यहाँ पर, तभी जाकर क्वीन चार्ज स्टार्ट किया है। बड़ी चिन्नी सी हेल्थ में यहाँ पर क्वीन चार्ज को स्टार्ट किया गया है। क्वीन की पाथिंग गाइस अंदर की तरफ बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़े से डिफेंसेस क्लियर नहीं करे गए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जंप की जगह कहाँ पर डाली है। जंप जो है वो क्वीन को हमेशा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो आप जितना अर्ली जंप डालेंगे, टाइम को समझकर, उसकी क्वीन की पाथिंग को समझकर, उसका आईक्यू लेवल समझकर, जितना जल्दी आप जंप डालेंगे वहाँ से ज़्यादा सही जगह पर आपकी जो क्वीन है वो वहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर जंप की पोजीशनिंग जो है वो मल्टी ईगल और ओपोनेंट की क्वीन तक है, और जो ये मल्टी दूसरा वाला, अगर क्वीन अंदर की तरफ आ जाती है तो ये दूसरा वाला भी मल्टी ले लेगी, बाकी जो ये एक्सबो वाला कंपार्टमेंट बच रहा है, एक्सबो फार्म वाला, वहाँ पर लावालून नॉर्मली हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देख रहा होगा मल्टी इन्फर्नो हीलर्स को मार रहा है, लेकिन इतनी जल्दी उसकी हेल्थ खत्म नहीं होगी। और रेंज की बात करें तो ये गोल्ड स्टोरेज तोड़ने के बाद ईगल आर्टिलरी थोड़ी सी दूर की रेंज में है, लेकिन जो जंप का जो सीन है वो ईगल आर्टिलरी की तरफ जा रहा है, इसलिए ये ग्रैंड वार्डन की तरफ ना बढ़े शायद, और ईगल आर्टिलरी की तरफ जाए, लेकिन ग्रैंड वार्डन की तरफ बढ़ गई है और ये आर्चर टावर की तरफ गई है, और ईगल आर्टिलरी थोड़ी लेट फोड़ेगी है ओपोनेंट के किंग को मारने के बाद। तो आपको जो जंप की टाइमिंग है वो थोड़ा सा लेट करनी है, क्योंकि जंप का जो होता है सीन वो जल्दी ख़त्म हो जाता है मेरे ख्याल से। तो शायद इस जंप की बदौलत जो क्वीन है वो ईगल आर्टिलरी की तरफ शायद ही जा सके। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा जंप कितना ही बहुत ओपी तरीके से काम किया, और क्वीन की जगह देखिए किस जगह पे आई है, वो मल्टी इन्फर्नो और ईगल के बीच वाले कंपार्टमेंट में आई है, जो कि ये पूरा वाला कंपार्टमेंट निकाल लेगा बड़े प्यार से, और ये चुन्नी मुन्नी सी जो दूसरा कंपार्टमेंट है एक्सबो फार्म का, उसको नॉर्मली लावालून से
ड्रॉप कर दिया है ऊपर से लावालून फ्रॉम 12 o'clock, और यहाँ पर आपको दोनों एयर डिफेंस की पाथिंग भी बन रही दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर दो फ्रीज, एक इन्विजिबिलिटी और दो हेस्ट अभी भी बाकी। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी 10 loon 7 minion 1 लावा के साथ क्वीन की एबिलिटी अभी तक बाकी है यहाँ पे, और दूसरा मल्टी भी बड़े प्यार से निकाल लिया है। और गाइज ये बहुत ही ओपी तरीके से यहाँ पर फ्रीज डाला गया है, चार चार डिफेंसेस को एक साथ, दो एक्सबो जो एयर में थे और जो आर्चर टावर्स थे उनको निकाल लिया, और यहाँ पर कुछ फटने जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है, शायद कोई माइन होगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ट्रिपल किया विदाउट एनी सीसी ट्रूप और स्पेल, और इस जगह पे बहुत सारे ट्रैप्स बाकी थे, लेकिन यहाँ पर समझदारी के साथ विजर्ड के हिट्स को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे बंच ऑफ द लून्स चले गए विजर्ड के हिट को बचाने के लिए, यहाँ पर फ्रीज यूज़ किया गया। अभी भी क्वीन की एबिलिटी तो खत्म हो गई, बट क्वीन अभी रेस्ट ऑफ द जिंदा है। यहाँ वार्डन की एबिलिटी एक लून पर यूज़ हुई है जिसमें विजर्ड टावर लॉक था, यहाँ पर जो एक हेस्ट था वो यूज़ कर लिया है आर्चर टावर पे, और एक बॉम्ब टावर, और यहाँ पर एक एयर डिफेंस बाकी है। यहाँ पर क्वीन वॉल तोड़ते लग गई, जो बाकी के रेस्ट ऑफ द ट्रूप्स थे उन्होंने क्लीन अप कर दिया, एक एयर डिफेंस और कैनन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी हुई ट्रिपल, और ये गाइस ब्रांड न्यू तरीका है किसी भी चीज़ को ट्रिपल करने का, वो होता है बेस की आईक्यू लेवल को समझकर। क्वीन चार्ज कितना ज़्यादा निकाल लेगी वो बहुत ही मेन रखता है गाइस, क्वीन चार्ज हर स्ट्रैटेजी में बहुत ही ज़्यादा मेन रखता है। अगर आपने सही पाथिंग ढूंढ ली क्वीन चार्ज के लिए तो आप ओपी वाला काम कर सकते हैं। सो गाइस हमने वो स्ट्रैटेजी तो देख ली, अब थोड़ा सा फार्मिंग जरूर कर लेते हैं। हम टाउन हॉल 10 पे हैं, हम अपने रश आईडी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी क्वीन तो 40 की हो गई है, बट हमारी किंग जो है वो बिच्चा लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई बढ़िया सी लूट मिल जाए तो बढ़िया है। अगर टाउन हॉल 10 की बात करें तो लूट आपको सीधा गोल्ड लीग में ही मिलेगी, गोल्ड लीग में जाइए, हाइब्रिड स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, और अपना पैसा वैसा जो लूट है वो आप अपने आप कमाइए। तो यहाँ पर हमें लूट मिल चुकी है बहुत ही ओपी वाली, यहाँ पर फुल्ली मैक्स तो कह नहीं सकते लेकिन इन्फर्नो मैक्स है, और यहाँ पर एयर डिफेंस जो है सस्ते खासे हैं, तो बढ़िया बढ़िया ही है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ट्रिपल करना पड़ेगा गाइस। जैप की पोजिशनिंग देखिए, जैप कैसे ये दोनों एयर डिफेंस को लेता है गाइज, आपको दिख रहा होगा। तो गाइज ये थोड़ा सा दिमाग वाला खेल होता है, अगर जैप आप सही से डालोगे तो इतने दूर का भी रेंज में आपको मिल सकता है एक्सेस। तो यहाँ पर तीन जैप डाल के ये भी निकाल लेते हैं भाई साहब, और तो ये एयर डिफेंस बहुत दिक्कत देगा या, लेकिन ये भी है तो क्या करें। ये यहाँ पर एक लून ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पर एक बेबी, सो यहाँ पर एक और बेबी ड्रॉप करना पड़ेगा, एक ड्रैगन इधर, क्वीन को ऑपोजिट साइड से थोड़ा सा बेबी ड्रैगन के, और यहाँ पर सारे के सारे लून्स ड्रॉप करिए, सारे के ड्रैगन ड्रॉप करिए, अपने रेस्ट ऑफ द आर्चर्स थोड़े से लेट छोड़िए ताकि जो रेस्ट ऑफ द लूट बचती है वो आप ले सकें, और क्वीन की एबिलिटी यूज़ हो गई। यहाँ पे एक रेज डाल देते हैं, और यहाँ पर फ्रीज की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो फ्रीज ही डाल देते हैं। यहाँ पे सीज हम दूसरे अटैक में यूज़ करेंगे, सीज का जल्दी से यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी आर्मी दोनों टाइम के लिए ट्रेन है तो आप दोनों टाइम अटैक कर सकते हो। सपोज़ क्या होता है कि जो बंदे ट्रॉफिंग पुशिंग करते हैं या जो बंदे इवन टाइम अटैक करते हैं तो उनके लिए वन टाइम लूट या वन टाइम ट्रॉफी पुशिंग ही होती है, लेकिन अगर सीरियसली ट्रॉफिंग पुशिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको वन टाइम ही अटैक करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सीज या डोनेशन या हीरोज़ नहीं होते तो वहाँ पर आपके खतरा होता है वन स्टार भी ना आने का। सो गाइस यहाँ पर हमें सारे लूट तो मिल चुके हैं, तो फटाफट से एंड बैटल कर देते हैं और दूसरे अटैक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 lakh की लूट मिल चुकी है, 5000 डार्क मिल चुका है, तो यहाँ पर फटाफट से हम तेज़ी में फुल्ली स्पीड में बढ़ जाते हैं अपने सेकंड अटैक की तरफ। टाउन हॉल 12 रश मिल चुका है, अब दूसरा कोई टाउन हॉल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा हाई लूट के साथ गोल्ड लीग में। चलो भाई फटाफट से फार्मिंग करेंगे यहाँ पे। गाइस हमें ये वाला बेस मिल चुका है, और यहाँ पर एयर डिफेंस की आपको दिख रही होगी कितनी चुन्नी मुन्नी सी। यहाँ पर क्या करें, दो जैब गिरा देते हैं, एक और जैब यहाँ पर गिरा देते हैं फिलहाल। जैब ड्रैगन ही सही है, अगर आपके पास हीरोज नहीं है तो ड्रैगन टू टाइम हिट तो कर ही सकते हैं, है ना, इतना तो पॉसिबल है ड्रैगन के लिए। तो यहाँ पाथिंग बन गई ये वाली, तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं। चलो ये एयर स्वीपर नहीं आया, टट्टी यार दिमाग ख़राब क्यों नहीं आया। यहाँ पर हम पहले ही यहाँ पर गिरा देते हैं अपना बैटल ब्लिम्प कहते हैं जिसे, यहाँ पर एक रेस डाल देते हैं बैटल ब्लिम्प से, चूम पूरा फट गया। और यहाँ पर एक ये, यहाँ पर ये सारे आर्चर्स, और उसके बाद यहाँ पर लूंज, यहाँ पर ड्रैगन्स, एक ड्रैगन बचा के रखते हैं, इस टाइम का क्लियर करेगा ये। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी सारी वैल्यू मिल गई हमें बैटल ब्लिम्प, अब गिरा के उसके ऊपर रेस डाल के,
तो यहाँ पर तो फिलहाल लीग ही चल रही है। यहाँ पर ड्रैगन्स जो है वो कोर की तरफ जा रहे हैं, हमारे ड्रैगन्स टाउन हॉल की तरफ, टाउन हॉल 10। सो गाइस आज की वीडियो जो थी वो हमें मिली कंटेंट ऑफ द वीक का अवार्ड मिला है हमारी इस स्ट्रेटजी जिसमें नो सीसी स्पेल हुआ है यूज ओपोनेंट की ऑफेंस में भी नहीं, ओपोनेंट के डिफेंस में भी नहीं। तो यहाँ पर गाइस हुआ ये ट्रिपल ऑन टाउन हॉल 11 मैक्स बेस और बहुत ही ओपी शानदार तरीके से हुआ है गाइस ये वाला अटैक हमारा आज के कंटेंट का। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ हर वीक आपको अवार्ड मिलेगा और हमारी वीडियो में अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू वाला बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो गाइस आज की वीडियो इतनी ही थी, अब आपको जल्दी मिलेंगे अलग ढलग डिफरेंट त्रिफरेंट लाइव स्ट्रीम या वीडियो में या कोई बेहतरीन स्ट्रैटेजी में। अभी तो बहुत सारे कंटेंट्स बनाने भी है गाइस, तो कीप ट्यून दिस चैनल, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बाजू वाला बेल आइकन जरूर दबा देना। तब तक गाइस स्टे सेफ, स्टे होम एंड क्लैश ऑन। What the Rock is cooking.